हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। उसमें आज की वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग ने फ्लिपकार्ट में आज गेम खेला होगा तो यहाँ पे आप लोग कुछ दो सुपर कॉइन देखने को मिले होंगे। यहाँ पे प्राइस वाली बात चला लेडीज वर्सेस जेंटलमैन गेम में, तो यहाँ पे टू सुपर कॉइन सबको क्यों देखने को मिल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पे अभी आप लोग गेम जोन के अंदर जाते हैं फ्लिपकार्ट वीडियो गेम जोन में, और यहाँ पे जैसे आप लोग जाते हैं और आप लोग प्राइस वाली पार्ट चलेगा, अगर आप लोग ने गेम खेला होगा तो आप लोग को सेम इस टाइप का पेज देखने को मिला होगा कि आप लोग को टू सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स में मिले। तो यहाँ पे टू सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स में क्यों दिए जा रहे हैं और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू सुपर कॉइन प्राइस वाली पाठशाला में तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे लेडीज वर्सेस जेंटलमैन में तो टू सुपर कॉइन बहुत स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे, सभी लोगों को पता ही है। मैंने आपको उसके बारे में वीडियो बता दिया था कि लेडीज वर्सेस जेंटलमैन गेम रीलॉन्च किया गया गेम है, तो इसके अंदर टू सुपर कॉइन आपको देखने को मिलेंगे, आप कभी भी गेम खेलेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि आपके रिवॉर्ड्स ऑफ द डे के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे रिवॉर्ड से 5 सुपर कॉइन, 2 सुपर कॉइन और 1 सुपर कॉइन है, तो आपको इन तीनों में से कोई एक मिलेगा। यहाँ पे 10 और 15 है ही नहीं, तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स वैसे भी कम हो जाते हैं क्योंकि रीलॉन्च गेम है। और अगर आप लोग प्राइस वाली पाठशाला में देखते हैं तो प्राइस वाली पाठशाला में रिवॉर्ड्स ऑफ द डे के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे 15 सुपर कॉइन, 10 सुपर कॉइन, 5 सुपर कॉइन, 2 सुपर कॉइन और 1 सुपर कॉइन। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे आप लोग को सुपर कॉइन की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी आपको 2 सुपर कॉइन देखने को क्यों मिल रहा है, इसके बारे में आपको एक सिंपल से बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गेम की टर्म एंड कंडीशन में आते हैं और गेम की टर्म एंड कंडीशन में आने के बाद आप लोग थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे आपकी गेम की टर्म एंड कंडीशन लोड हो जाती है, तो आप लोग को यहाँ पे एक फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है ड्यूरेशन, शो ड्यूरेशन के हिसाब, मतलब यहाँ पे शो कब तक चलने वाला है। यहाँ पे आप लोग को द शो विल बी ऑन फॉर 40 डेज, 40 डेज के लिए शो होने वाला है, और लास्ट डेट है यहाँ पे 5th जून, और आपको पता हो तो 5th जून आज ही है, और इसलिए यहाँ पे हो सकता है शो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके ये भी चांसेस हैं, यहाँ पे शो अभी खत्म नहीं किया उन्होंने, अभी थोड़े और एपिसोड एक्सटेंड कर दें क्योंकि यहाँ पे 40 एपिसोड तो कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे होम एडिशन चालू हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये अपने घर से ही शूट करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे होम एडिशन चालू हो गया, तो हो सकता है शो को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन आपको 2 सुपर कॉइन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट के एक न्यू रूल आया था कि आप लोग को यहाँ पे रिवॉर्ड्स कभी भी देखने को मिलेंगे पूरे डे के अंदर, आप लोग को 24 आवर्स जब भी गेम आता है उसके बाद से आप लोग को कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है रिवॉर्ड। हो सकता है आप लोग को वाउचर, गेम लॉन्च हो गया उसके आप लोगों ने 10-15 घंटे बाद गेम खेला तो भी आप लोग को वाउचर मिल सकता है, 10 सुपर कॉइन मिल सकते हैं, 15 सुपर कॉइन मिल सकते हैं, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में नाइट में लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं और मॉर्निंग में खेलते हैं सबसे ज़्यादा, तो दोनों ही टाइम पे सबसे ज़्यादा खेलते हैं, मॉर्निंग में फिर भी लोग अच्छे प्राइस मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू नाइट, जिसमें भी 2 सुपर कॉइन मिले उन सब में आप लोग को नाइट में अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ मॉर्निंग में अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन, आप लोग मॉर्निंग में खेलिए या तो आप लोग इवनिंग तक में खेलिए गेम, क्योंकि प्राइस वाली पाठशाला के बारे में बात कर रहे हैं सर, बाकी सब गेम में आपको 5 सुपर कॉइन ही रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, सिर्फ आप लोग को प्राइस वाली पाठशाला में 2 सुपर कॉइन देखने को मिल रहे हैं वो भी आज से ही। और यहाँ पे लेडीज वर्सेस जेंटलमैन का मैंने आपको बताया दिया रीलॉन्च गेम है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम करेंगे ही वो, तो इसका यही सॉल्यूशन है आप लोग मॉर्निंग में के लिए, तो आप लोग को रिवॉर्ड्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, इसको नाइट में मत खेलिए बस प्राइस वाली पाठशाला को अगर गेम आता है तो, यहाँ पे क्योंकि 40 एपिसोड कंप्लीट हो गए तो हो सकता है यहाँ पे गेम लॉन्च किया ही ना जाए, अगर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग नाइट में या इवनिंग में खेलिए, आप लोग को प्राइस मिल जाएंगे अच्छे खासे, हो सकता है आपको 5 सुपर कॉइन तो मिनिमम मिल ही जाए, या तो आप लोग को 2 सुपर कॉइन भी मिल सकते हैं, वरना 15, 10 या फिर गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को मिला है। तो इसका यही सॉल्यूशन था, सब लोग बोल रहे थे यहाँ पे सॉल्यूशन बताइए इसका, इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट की न्यू टर्म एंड कंडीशन आप रैंडमली फ्लिपकार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि लोगों के साथ ऐसा भेदभाव ना हो कि लोग नाइट में खेल रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल रहे हैं और जो इवनिंग या फिर मॉर्निंग में खेलते हैं तो उन्हें अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फ्लिपकार्ट सारे प्राइजेस थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बचा के रखता है, हर टाइम शिफ्ट के हिसाब से वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यही बस आपको एक्सप्लेन करना था, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।